Hello everyone, so today we will discuss about consumer protection councils. So in our previous video we had discussed about consumer protection. So consumer protection क्या होता है कि जो भी हमारे consumers हैं, consumers कौन होते हैं, जो भी product को खरीदते हैं, buyers होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, consumers. तो जब consumer के साथ exploitation होता है, fraud होता है, तो उससे बचाने के लिए हम consumer protection का use करते हैं. उसमें हमारी various codes आते हैं, councils आते हैं, laws आते हैं. So आज हम discuss करेंगे consumer protection councils. So consumer protection councils क्या होती हैं कि जो government ने कुछ ऐसी councils बनाई हैं जो consumer को protect करने के लिए हैं. सो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का मीनिंग क्या होता है. कि हमने इंट्रो में तो देख लिया कि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. कि कंज्यूमर्स को और ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें ये प्रोवाइड किया गया है, उसमें ये मैंशन किया गया है कि हमें कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को और बढ़ाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए. एंड फॉर दैट पर्पज टू मेक प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन councils and other authorities for the settlement of consumer disputes. कि consumer के जो भी disputes हैं, complaints हैं, उनकी settlement के लिए, उन्हें solve करने के लिए other authorities यानी कि और भी authorities होंगी, जैसे courts होंगे, consumer courts होंगे, judicial bodies होंगी, ऐसे ही consumer protection councils को establish किया गया था. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्यों इस्टेब्लिश की गई, कि हम कंज्यूमर्स को बेटर सिक्योरिटी, बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहते थे. और हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसके रिगार्डिंग एक प्रोविजन है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सी अथॉरिटीज और काउंसिल्स को सेटअप किया जाना चाहिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर इस्टेब्लिश्ड टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. दे आर इस्टेब्लिश्ड एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. कि हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्यों इस्टेब्लिश की गई है, ताकि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट के सिक्योरिटी कर सकें, कंज्यूमर को एक्सप्लोइटेशन से बचा सकें, फ्रॉड से बचा सकें. और ये किस किस लेवल पे होते हैं, हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के तीन लेवल होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. The objective of this councils are to promote and protect the right of consumers. हमने अपनी previous video में discuss किया है कि consumer के basic right कौन से होते हैं. तो जो भी consumer के basic right हैं, such as right to be heard, right to safety, right to redressal, ये जो भी हमारे rights हैं उनको provide कराना, उनकी safety provide कराना हमारा main objective होता है consumer protection councils का. लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हमने मीनिंग में ही डिस्कस किया कि हमारी कितनी लेवल होते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के तीन लेवल होते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. जो हमारा नेशनल लेवल की जो काउंसिल होती है उसका क्या नाम है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. नेशन यानी कि नेशन वाइड, एक पूरे नेशन की, एक कंट्री की एक है. द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि जितने भी स्टेट हैं एक कंट्री के अंदर, उसके लिए जो काउंसिल है उसको हम बोलते हैं द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. एंड देन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो किसके अंदर है, एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होती है उसके अंदर होता है. सो हम स्टार्ट करते हैं द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से. सो द मेन प्रोविजन रिगार्डिंग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर, कि हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसे कौन इस्टेब्लिश करता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. सो सबसे पहले है इस्टेब्लिशमेंट, नेम है सेंट्रल कंज्यूमर, यानी कि हमारी नेशन वाइड है, तो इसको कौन इस्टेब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसे इस्टेब्लिश करती है, हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को. और वो क्या कैसे इस्टेब्लिश करती है, एक नोटिफिकेशन इशू करती है, और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है कि ये कब इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटिंग अपडेट मेंशन होती है. और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो मेंशन करती है सब कुछ, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को. नेम ही सजेस्ट कर रहा है, अगर ये सेंट्रल लेवल की है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी. देन सेकेंड इज कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या कहती है, कि इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं. सो फर्स्ट इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द चेयरमैन एंड डिप्टी मिनिस्टर विल बी द वाइस चेयरमैन. कि ये जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, इसका चेयरमैन कौन होगा, जो भी हमारे सेंट्रल लेवल पे, मीन्स नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर है वो हमारा चेयरमैन हो जाएगा, और जो डिप्टी मिनिस्टर है नेशनल लेवल पे वो हमारा क्या हो जाएगा, वाइस चेयरमैन हो जाएगा इस काउंसिल का.
होगा। सो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर चेयरमैन कौन होगा और वाइस चेयरमैन कौन होगा। तो चेयरमैन कौन होगा, नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर है वो हमारा चेयरमैन हो जाएगा और डिप्टी मिनिस्टर क्या हो जाएगा, वाइस चेयरमैन हो जाएगा। द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई, जो भी नेशनल लेवल पे फूड एंड सिविल सप्लाई का मिनिस्टर है वो भी हमारा मेंबर होगा। 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच 5 फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट से भी हमें 8 मेंबर्स चाहिएंगे, जिसमें से 5 किसमें से होने चाहिए, लोकसभा से होने चाहिए और 3 राज्यसभा से होने चाहिए। द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कमिश्नर है वो भी हमारा मेंबर होगा नेशनल, जो नेशन वाइड हमारी कंज्यूमर काउंसिल है उसका। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 20, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारे नेशन में, जो गवर्नमेंट है उस डिपार्टमेंट के कोई कम से कम, यानी कि 20 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, 10 या फिर 20 इतने होने चाहिए, 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे, लेकिन कम से कम हमारे पास 10 मेंबर तो हों और 10 से बीच के बीच में कितने होने चाहिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मेंबर्स होने चाहिए। देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नॉट लेस देन 135, कि जो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती हैं, उनकी राइट की सिक्योरिटी के लिए वर्क करती हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव जो भी उन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वे भी हमारे सेंट्रल काउंसिल के क्या होंगे, मेंबर होंगे। और वो कितने होने चाहिए, कम से कम 135 होने चाहिए, 135 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 135 से कम नहीं होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन नॉट लेस देन 10, कि कम से कम कितनी, 10 तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन भी इसके मेंबर होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल नॉट एक्सीडिंग 15, कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पीपल को 1% रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे नेशन को हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट हमारे नेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी दूसरे नेशंस में। जैसे हमारे प्लेयर बाहर खेलने जाते हैं, किसी और नेशन में खेलने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो भी वुमेन्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ट्रेड फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता है तो वो भी हमारे इसके मेंबर्स होंगे। किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इन सब के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसका भी इंटरेस्ट है इस रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि जो इसके लिए मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे एज अ मेंबर। तो कंपोजिशन में हमने कौन कौन डिस्कस किया, चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, फिर जो मिनिस्टर है फूड एंड सिविल सप्लाई का वो भी हमारा मेंबर होगा, 8 मेंबर फ्रॉम पार्लियामेंट, कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट भी हमारा मेंबर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेंबर होंगे और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, वुमेन के, फार्मर्स के, इंडस्ट्रीज के, वो भी हमारे क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। देन मीटिंग, यानी कि जो हमारी सेंट्रल काउंसिल है उसकी कितनी मीटिंग होती है, एक साल में कम एक मीटिंग होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको एक साल में एक मीटिंग तो करनी ही होती है जिसमें सारे मेंबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हमारा चेयरमैन, अब चेयरमैन कौन होता है हमारा, ये हमने मीनिंग में, जो हमारा कस्टमर, जो हमारे मींस कंज्यूमर के अफेयर का जो भी हमारा मिनिस्टर है नेशनल लेवल पे, वो हमारा क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन डिसाइड करता है कि कितनी मीटिंग होंगी, कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, कोई इमरजेंसी है या कोई और टॉपिक डिस्कस करना है तो 2 मीटिंग भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और उसका टाइम, वैल्यू, प्लेस सब कुछ कौन डिस्कस करता है, डिसाइड करता है हमारा चेयरमैन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमने मीनिंग में ही किया था कि हमारी तीनों काउंसिल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे राइट्स हैं, जिसपे हम वीडियो बना चुके हैं कौन कौन से राइट्स होते हैं, उन राइट को प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, यही हमारे राइट होते हैं तीनों काउंसिल्स के। हमारे कौन कौन से राइट थे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी चूज, और राइट टू मीन्स जितने भी हमारे राइट हैं, यानी कि जो भी हमें राइट का मतलब क्या होता है कि एक कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार हैं, सो वो सारे राइट्स हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, ताकि जो सेलर हैं हमारे राइट को क्या करें, एक्सप्लोइट ना करें, ये सारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है हमारी सेंट्रल काउंसिल का, स्टेट काउंसिल का और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। देन द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अब हमने नेशनल को डिस्कस कर लिया, अब हमारी आती है स्टेट, तो इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा, नेशनल को कौन कर रहा था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो किस लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, तो ये किस लेवल पे, हमारी स्टेट लेवल पे है, तो इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ये भी एक नोटिफिकेशन पास करेगी जिसमें जो हमारी सेटलमेंट डेट है, यानी कि सेटिंग अप डेट है, वो मेंशन होगी। अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसका मिनिस्टर, इसमें जो मीन्स हमारे स्टेट में मिनिस्टर है उसमें हमने क्या बोला था, कंज्यूमर अफेयर का जो नेशन में जो मिनिस्टर है वो हमारा क्या होगा, चेयरमैन होगा। इसका जो कंज्यूमर अफेयर का हमारे स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर है वो क्या हो जाएगा, हमारा चेयरमैन हो जाएगा, और डिप्टी मिनिस्टर जो है वो वाइस चेयरमैन हो जाएगा।
number of officials and non-official members who represent special interest shall be determined by the state government. Such members are the official and non-official exceeding 10 may be nominated by central government. कि कोई भी ऐसा official member और non-official member जिसका interest है, यानी कि जो value रखता है, worth रखता है, इसका एक member बनने की, उसको भी इसके अंदर include किया जाता है. और official और non-official के अलावा भी कुछ member include किए जाते हैं central government की तरफ से, जो 10 से ज्यादा नहीं होते, means central government ही उन्हें नॉमिनेट करती है. और ये हमारे टोटल मेंबर्स होते हैं किसके, स्टेट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसकी. यानी कि इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, कुछ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर जिनका इंटरेस्ट है रिप्रेजेंटेशन में, एंड कुछ हमारे 10 या फिर कुछ और ज्यादा हमारे कौन नॉमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. मीटिंग, अब उसमें क्या था, कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए पर ईयर, मैंडेटरी थी. इसमें क्या होता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल्स कैन कन्विंस एनी नंबर ऑफ मीटिंग. यानी कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी अगर इमरजेंसी आ जाती है, कोई टॉपिक डिस्कस करना है, उतनी ये मीटिंग कर सकते हैं. लेकिन मैंडेटरी कितनी है कि एक साल में चाहे उनकी कोई डिस्कस करना हो या ना करना हो, कम से कम 2 मीटिंग रखी जाती हैं. उसमें क्या थी, कम से कम मैंडेटरी एक मीटिंग थी, और इसमें हमारी मैंडेटरी मीटिंग कितनी है, 2 मीटिंग तो करनी ही करनी होती है. और इसका प्लेस और टाइम कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन डिसाइड करता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट काउंसिल शैल बी प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ कंज्यूमर. यानी कि जो भी हमारे कंज्यूमर के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ही इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. सिमिलरली जैसे हमारे नेशन में था, कि हमारे नेशनल में भी क्या था, कि उनके राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ही क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है. हमारे राइट्स पे वीडियो बन चुकी है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएंगे कि हमें कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू be heard, right to consumer education and right to seek redressal. द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, यानी कि थर्ड लेवल आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का. सो इसको कौन इस्टेब्लिश करेगा, डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर होती है, एक स्टेट के अंदर होती है, तो इसको भी कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. यानी कि एक जो भी स्टेट है उसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगी, उस हर एक के अंदर एक क्या होगी, काउंसिल होगी. और इसको कौन इस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है. कंपोजिशन यानी कि अब इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु शैल बी द चेयरमैन. इसका चेयरमैन कौन होगा, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी है या कलेक्टर है, उसको हम क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे उस काउंसिल का. सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ऐसे ही कुछ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर जैसे स्टेट में थे, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर जो वर्थ रखते हैं इसका मेंबर बनने की, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंपोजिशन के अंदर बाय स्टेट गवर्नमेंट. मीटिंग्स, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था, नेशनल में क्या थी कि एक मीटिंग मैंडेटरी थी, स्टेट में भी 2 मीटिंग मैंडेटरी थी, और डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होता है, 2 मीटिंग मैंडेटरी होती हैं. यानी कि हमारी एक साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही मीटिंग कर सकते हैं, 2 हमारी क्या है, मिनिमम है, कि कम से कम 2 मीटिंग हो. उससे ज़्यादा हम जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं. अगर हमें कोई नेसेसरी ज़रूरत पड़ती है, कोई मीटिंग हमें कुछ डिस्कस करना है, कोई नया केस आया है, कुछ भी नया लॉ बना है, अमेंडमेंट करनी है, तो उसके लिए हम न्यू मीटिंग कर सकते हैं. लेकिन कम से कम 2 मीटिंग करनी चाहिए. और उसका टाइम कि वो मीटिंग कब होगी, कहां होगी, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा चेयरमैन ही डिसाइड करता है. ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो हमारी पहली 2 के ऑब्जेक्टिव रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव इसकी होंगे. और क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स. सो जब भी हम देखें कि ऑब्जेक्टिव में क्या आ रहा है, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ कंज्यूमर, तो जब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो हमें यह सिंपली पता चल जाता है कि जो भी हमारी कंज्यूमर काउंसिल्स बनी है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि इनको बनाने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, कि हम कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें. प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी. एंड कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.